गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज क्लास 5। नाउ आई एम गोइंग टू टीच योर लेफ्ट पोर्शन ऑफ चैप्टर 6, एनिमल्स लाइफ, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स लाइक ह्यूमंस, एनिमल्स ऑल्सो रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग। व्हेन एन एनिमल ब्रीथ, इट टेक्स इन ऑक्सीजन एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स जब कोई एनिमल ब्रीथ करता है तो वो क्या लेता है, ऑक्सीजन को इनहेल करता है, अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है। द ऑक्सीजन टेकन इन बाय द एनिमल्स ब्रेक डाउन देयर फूड एंड रिलीज एनर्जी। जो ऑक्सीजन एनिमल अंदर लेता है वो फूड को ब्रेक डाउन करके उनको एनर्जी देता है। हाउ एन एवर एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स फॉर ऑर्गन्स फॉर ब्रीथिंग। लैंड एनिमल्स जैसे कैट्स, डॉग, हॉर्सेस, बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड ह्यूमन बींग्स के पास लंग्स होता है ब्रीथ करने के लिए। दे ब्रीथ थ्रू देयर नोज। फ्रॉम द नोज एयर इज कैरीड टू स्पेशल ऑर्गन कॉल्ड लंग्स। मीन्स नोज के जरिए एयर अंदर जाती है जो कि स्पेशल ऑर्गन है जिसे हम लंग्स कहते हैं। द लंग्स आर अ पेयर ऑफ सॉफ्ट स्पॉन्जी बैग्स इनसाइड द चेस्ट। लंग्स दो स्पॉन्जी सॉफ्ट बैग्स की तरह होते हैं जो हमारे चेस्ट के अंदर होते हैं। इन लंग्स ऑक्सीजन ऑफ द एयर इज एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड। जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड में एब्जॉर्ब कर ली जाती है। दिस ब्लड कैरीज ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। और यही ऑक्सीजन हमारे पार्ट्स बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है। अंडर वाटर एनिमल्स जो है जैसे फिश, टैडपोल्स, क्रैब्स, इनके पास गिल्स होती है ब्रीदिंग के लिए। दे टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। फिश रिलीज करती है कार्बन डाइऑक्साइड को। दैट ऑक्सीजन गेट्स एब्जॉर्ब इन टू द ब्लड ऑफ द फिश। द एनिमल जो दोनों में रहते हैं मीन्स लैंड और वाटर में, जैसे कि फ्रॉग और अर्थ वॉर्म्स, ये अपने मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ करते हैं। फ्रॉग ऑल्सो ब्रीथ थ्रू लंग्स व्हेन ऑन लैंड। इंसेक्ट्स जो होते हैं जैसे ग्रॉस हॉपर, कॉकरोचेस, ये अपने सीरीज ऑफ टाइनी होल्स होते हैं इनके साइड में अलॉन्ग द साइड्स ऑफ देयर बॉडीज। इन होल्स की सहायता से जिन्हें हम स्पेरिकल्स बोलते हैं वो इससे इसकी हेल्प से ब्रीथ करते हैं। मूवमेंट इन एनिमल्स। एनिमल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं शेल्टर और फूड के लिए। दे मूव अबाउट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज। और वो इसलिए भी मूव करते हैं कि वो अपने एनिमीज से बच सकें। मैन ऑल्सो मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मीन्स ह्यूमन बींग्स भी अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए प्लेस टू प्लेस मूव करते हैं। एनिमल जैसे हॉर्स, डॉग्स, काउस, कैट्स, ये हेल्प करते हैं अपने लिम्स से मूव करने के लिए। दे हैव फ्रंट टू लिम्स, इनके सामने के दो पैरों को बोलते हैं फोर लिम्स और बैक लिम्स को क्या बोलते हैं, हिंड लिम्स। कैमल अनदर बिग एनिमल है जो मूव करता है स्पेशली डिजर्ट रीजन में। कैमल शिप ऑफ द डिजर्ट कहलाता है। इट कैन वॉक और रन ऑन सैंड विद ईज एट इज हैज पैडेड फीट, क्योंकि उसके पास गद्देदार पैर होते हैं जो कि सिंक नहीं करते, मीन्स फिसलते नहीं हैं सैंड में। चीता जो है वो सबसे फास्टेस्ट मूविंग एनिमल है। टू कैच इट्स प्रे, अपने शिकार को पकड़ने के लिए चीता हैज स्पेशल फीचर, उसके पास एक स्पेशल फीचर होता है दैट मेक हिम रन एट अ ग्रेट स्पीड। दीज आर जो कि है उसकी बैकबोन ऑफ दिस एनिमल, इनकी फ्लेक्सिबल होती है, मीन्स बहुत ज़्यादा लचीली होती है। दीज टाइप ऑफ बैकबोन इज रिस्पॉन्सिव टू फास्ट रनिंग, ये तेज दौड़ने में बहुत हेल्प करती है। चीता के पास लॉन्ग लेग्स होते हैं जो कि लॉन्ग स्ट्राइड्स मीन्स लॉन्ग लंबे लंबे कदम तय करते हैं। द क्लॉज ऑन चीताज फीट ग्रिप द ग्राउंड लाइक स्पाइक्स इन शूज ऑफ एथलीट्स। इनके ग्रिप बहुत अच्छी होती है, जैसे कि एथलीट के शूज़ में स्पाइक्स होते हैं। दे मेक हिम रन फास्ट, जिससे वो इनको हेल्प करती है तेज़ दौड़ने में। एनिमल्स मैन यूजेज ओनली पेयर, हमारे पास दो पेयर हैं लेग के, वन पेयर ऑफ लेग्स जो कि हमारे लोअर लिम्स होता है। हम रन कर सकते हैं, स्टैंड सही सीधे खड़े हो सकते हैं, जिन्हें हम लेग्स बोलते हैं। अपने लिम्स को क्या बोलते हैं, लेग्स बोलते हैं। वाटर एनिमल स्पेशल फीचर होते हैं स्विम करने के लिए। फिश के बाद फिन होती है, स्पेशली शेप टेल होती है। फिन इनको हेल्प करती है स्विम और टेल मेंटेन करती है इनका बैलेंस एंड ऑल्सो हेल्प्स इन चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ देयर मूवमेंट। डायरेक्शन चेंज करने में भी हेल्प करती है। फ्रॉग्स अपने स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग हिंड लिम्स को यूज़ करते हैं जिससे कि वो अपने दे ऑल्सो हैव वेब्ड फीट, उनके पास जालदार जाले जैसी फीट होती है जिससे वो हेल्प उनको मिलती है स्विम करने में। पेंगुइन्स जो फ्लाई नहीं कर सकते बट उनके विंग्स हैं स्विम कर सकते हैं बहुत तेज़ी से।
क्रोकोडाइल, स्नेक और लिजर्ड रेप्टाइल्स हैं, इनके पास शॉर्ट लिम्स हैं। दीज लिम्स हेल्प टू क्रॉल, मीन्स रेंगने में। स्नेक्स आर लेगलेस रेप्टाइल, उसके पास लेग्स नहीं होते। स्नेक्स के पास दे हैव स्केल्स या प्लेट्स होते हैं उनके अंडर साइड ऑफ देयर बॉडीज, जिससे कि वो क्रॉल कर सकते हैं। द बैकबोन ऑफ ए स्नेक इज क्वाइट फ्लेक्सीबल, स्नेक की भी जो बैकबोन है वो काफ़ी फ्लेक्सीबल होती है। एंड अर्थ फॉर्म्स बॉडी इज मेड अप ऑफ सेवरल सेगमेंट्स, इट मूव्स बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक्सपेंडिंग इज बॉडी सेगमेंट्स। इंसेक्ट के पास सिक्स लेग्स होते हैं, मोस्ट इंसेक्ट अपने लेग्स को चारों तरफ घुमा लेते हैं। देयर विंग्स आर थिन, डेलिकेट, आर मेड अप ऑफ टाइनी स्केल्स, दे हैव नो फेदर, बोन्स और स्ट्रॉन्ग मसल्स। इनकी ना कोई बोन स्ट्रांग होती है, ना के पास फेदर होते हैं, ना मसल्स स्ट्रांग होती है, वो अपने टाइनी स्केल की हेल्प से चलते हैं। इन बर्ड्स फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इन टू विंग्स, इनके जो फोर लिम्स हैं वो मॉडिफाई होते हैं विंग्स में, उड़ने के लिए इनको हेल्प करते हैं। और दे यूज़ देयर हिंड लिम्स टू वॉक करने के लिए, रन, हॉप मीन्स उचकने के लिए, ऑन लैंड और पर्च ऑन ट्रीज। द बोन्स ऑफ बर्ड बॉडी आर हॉलो एंड लाइट, जो बर्ड की बॉडी की जो बोन होती है वो अंदर से, मीन्स हॉलो मीन्स अंदर से खोखली होती, खाली होती और लाइट होती है। ओके क्लास 5, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।